हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। यह करंट अफेयर्स आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। मेरे प्यारे साथियों, आज 23 नवम्बर 2018 वार शुक्रवार, करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने यूवी कंपटीशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करें। अन अकेडमी पर विवेक कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ मुझे फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्चेज द इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन काउंसिल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन न्यू दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की शुरुआत की। इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉनमैक 2018 इन भक्तपुर नियर काठमांडू नेपाल। नेपाल में भारतीय दूतावास और भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने नेपाल के काठमांडू के पास भक्तपुर में निर्माण उपकरण और प्रौद्योगिकी कॉनमैक 2018 की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज इज ऑन ए टुडे विजिट टू लाओस। ड्यूरिंग हर विजिट मिसेस स्वराज विल को चेयर द 9th मीटिंग ऑफ इंडिया लाओस जॉइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कॉरपोरेशन विद द काउंटर पार्ट सलिमुक्सा कोमा सिथ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान सुश्री स्वराज अपने समकक्ष सलिमुक्सा कोमा सिथ के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर भारत लाओस संयुक्त आयोग की नवी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगी। द 12th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन माउंटेन मेडिसिन स्टार्टेड इन काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल। The theme of the 4-day Congress is Mountain Medicine in the Heart of the Himalaya. Mountain Medicine पर 12वीं World Congress नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुरू हुई। 4 दिवसीय कांग्रेस का विषय Mountain Medicine in the Heart of the Himalaya है। Rank and Report, Ranking and Report. According to WHO, World Health Organization report, malaria cases declined by 24% in India. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में 24% की गिरावट दर्ज की गई है। एग्रीमेंट समझौते। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद गूगल टू ऑफर द फैंस ए ग्रेट व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफ द अपकमिंग सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स ऑफ द ICC वुमेन्स वर्ल्ड T20 टू बी हेल्ड इन वेस्ट इंडीज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने प्रशंसकों के लिए वेस्टइंडीज में होने वाले ICC महिला विश्व T20 के सेमीफाइनल और फाइनल में एक बेहतर देखने का अनुभव के लिए गूगल के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट, स्टेट रन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद द US ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी USTDA टू डेवलप ए रोड मैप फॉर नॉर्मल मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयर ट्रैफिक सर्विसेज।
राज्य संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI ने अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी उस्टर्डा के साथ अपनी वायु यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक रोडमैप विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट है इंडिया एंड रशिया सील्ड ए 500 मिलियन USD डील फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टू मिसाइल फ्रिगेट्स इन गोवा फॉर द इंडियन नेवी सेंडिंग ए क्लियर साइन है गनल ऑफ कंटिन्यूइंग विद हाई लेवल डिफेंस कोलेब्रेशन नॉट विद स्टैंडिंग द US वार्निंग ऑफ सेंसन। भारत और रूस ने प्रतिबंधों के लिए अमेरिकी चेतावनी के बावजूद उच्च स्तरीय रक्षा सहयोग के जारी रखने का स्पष्ट संकेत भेजते हुए भारतीय नौसेना के लिए गोवा में दो मिसाइल फ्रेगेट के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति साउथ कोरिया किम जोंग यांग हैज बीन इलेक्टेड एज इंटरपोल्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट एडिंग आउट ए लॉन्ग टाइम वेटरन ऑफ रशिया सिक्योरिटी सर्विस। एलेक्जेंडर प्रोकोपुक हु वाज स्ट्रॉन्गली अपोज्ड बाय द US ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन नेशंस। दक्षिण कोरिया के किम जोंग यांग को इंटरपोल के अगले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। वह रूस की सुरक्षा सेवाओं के लंबे समय से अनुभवी अलेक्जेंडर प्रोकोपच्चुक का स्थान लेंगे जिनका अमेरिका ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का दृढ़ विरोध किया गया था। नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजेंसी यूनिसेफ अपॉइंटेड मिली बॉबी ब्राउन द स्टार ऑफ हिट नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स एज इट्स यंगेस्ट एवर गुडविल एम्बेसडर ऑन ट्यूजडे एंड द 14-year-old हैड ए मैसेज फॉर वर्ल्ड लीडर्स लिसन टू अस। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ ने मंगलवार को अपने सबसे युवा सद्भावना दो राजदूत के रूप में हिट नेटफ्लिक्स श्रृंखला स्ट्रेंजर थिंग्स की एक की स्टार मिली बॉबी ब्राउन को नियुक्त किया और 14 वर्षीय के पास विश्व के नेताओं के लिए एक संदेश था लिसन टू अस। वॉर के बिनी मारापा हैज सोन इन एज फिजीज प्राइम मिनिस्टर फॉर 4 more years आफ्टर विनिंग एन इलेक्शन विद ए रिड्यूस्ड मेजोरिटी। वॉर के बिनी मारामा ने कम बहुमत के साथ चुनाव जीतने के बाद 4 साल तक के लिए फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है अवार्ड्स पुरस्कार मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन वन सिल्वर इन द इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस 2018। मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन ने पर्यावरण के सर्वोत्तम अभ्यास 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड में रजत जीता है। नेक्स्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE हैज वॉन दिस ईयर्स इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजर्मेंट एंड डेवलपमेंट एन अवार्ड कॉन्फ्रेंस्ड बाय इंदिरा गांधी ट्रस्ट ईच ईयर ऑन द लेट प्राइम मिनिस्टर बर्थ एनिवर्सरी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने इस वर्ष शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार हर वर्ष इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय प्रधानमंत्री की जयंती पर दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार वेटरन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसीम जाफर बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू टच द 11,000 रन फिगर इन द रणजी ट्रॉफी। अनुभवी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में 11,000 रनों के आंकड़ों को छूने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन UV Competitions। UV Competition चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।